को खूबसूरत बनाने का सबसे बड़ा क्रेडिट इश्क के नाम है और खूबसूरत इश्क से सजी यो कहानी मारे हरियाणा की है। जहाँ की धरती में मिट्टी की सौंधी खुशबू है तो इसका लड़पन भी है। कहानियां बदली, किरदार बदले, पर यहाँ के खेत खलियानों से गुजरता हुआ इश्क आज भी बेपरवाह है। तभी तो ससुराए इश्क का इमोशन सबके सर चढ़ के बोलता है। बड़े बुजुर्गों से सुना था, जो इसको जान ले वे है ये बावड़ी पूछ इश्क उसी की जान ले वे है। फिर चाहे हीर रांझा हो, लैला मजनू हो, रोमियो जूलियट हो या सोनी मई, इश्क सबके खातिर जानलेवा साबित हुआ। पर प्यार करने वाले ना रुके, क्योंकि प्यार ये ससुरा प्यार बेअंतहा होता है, बेवजह होता है, और हम प्यार को नहीं, प्यार हमको चुनता है। मोहब्बत और इसकी एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू होने वाली थी। बिट्टू यानी कि मैं और मुन्नी यानी कि वो। इस बार भी हमने प्यार को नहीं, प्यार ने हमको चुना था, वो भी भगवान जी को साक्षी मान के। तो चुटकियों में खत्म हो गई, पर ये आखिरी ना थी। किस्मत की कलम से लिखी इस कहानी के पन्ने कुछ साल बाद फिर खुलने वाले थे एक नई कहानी के साथ।
मारी नौटंकी ने बीच में बंद करवा देगा के। अरे भाई तू है कौन? फितरत से आशिक और हरकत से आवारा, क्यों दाऊ स्वागत ना करोगे मारा? बिट्टू तू भाई एक महीने में चार बार मारे नाटक में कूद रहा है तू। लैला मजनू की कहानी, रोमियो जूलियट की कहानी, अरे भाई साहब सोनी माहिवाल की कहानी। अरे भाई तने सब पे ताला लगवा दिया, कहीं प्रॉब्लम तेरे दिमाग में तो ना है? ना 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 ना, ना। प्रॉब्लम दिमाग की ना ताऊ, प्रॉब्लम तो दिल की है, और जो दिल को ना लगे मैं उसकी लंका लगा दूं। अरे भाई बात सुन, इतिहास साक्षी है, जो नाटक जो लिखे गए वह वैसे ही दिखाए गए। बस यही तो ताऊ, उसी इतिहास को मरने बदलना है। कहानियां लव सब तक ठीक है, पर अंत में जो सैड एंडिंग हो जावे ये हमारी फिलोसफी से थोड़ा हटके है। और ताऊ के खावे तन्ने है क्यों जनता बटोर के पैसे हेट के क्यों रोना गाना सुनावे है? बिट्टू ले भाई तू न्यू कर, ले पकड़ माइक, और आज तू या सारी जनता से भाई हीर रांझे का किस्सा तू ही सुना देना। तू भाइयो बजाओ ताली। अच्छा मारी सुनेगा? सुना दे। ये दिल का रोग ये चाहत खुदा किसी को ना दे, बुरी बड़ा है मोहब्बत खुदा किसी को ना दे। जो दे ये सक्का बुखार तो रवानी दे, जुनून हो मगर मुकम्मल कहानी। अरे बिट्टू तू कौन सी कहानी बनाने वाला है? सच्चे सक्की मुकम्मल कहानी ताऊ, हमारे लव स्टोरी में आंसू ना होंगे, तकलीफें ना होंगी, दर्द ना होगा, होगा तो बस एक घना बावरा छोरा और एक पिस्सल सी खूबसूरत सी छोरी होगी। दोनों के बीच में होगा इस बेवजह बेपनाह शक। रे बिट्टू तो कहानी का के मतलब जो उसमें ड्रामा नहीं हुआ? रे जग्गी अब हीरो है हीरोइन है तो विलन भी होगा ना। छोरी का दिल जीतने के लिए उसे विलन से लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा, तो वही ड्रामा तो होगा, हीरो और विलन के बीच खा ड्रामा होगा। बढ़ गई आपकी गर्मा गर्म चाह।
कमाल करती है सविता, मेरे कदमों की आड़ से तू जान लेती है कि मैं आने वाला हूँ। जैसे आपको हमारी कुकर की आखिरी सीटी का अंदाजा है ना, वैसे ही मने आपके आने का अंदाजा हो जावे। गृहस्थी और रसोई के इसी तालमेल को तो शादी किया हुआ है चौधरी साहब। सौ भगवान पूजे होंगे मन्ने पिछले जन्म में, जो मन्ने तेरे जैसी लुगाई मिली, पूरे परिवार को एकजुट होकर तने रखा है, मूर्तियों की तरह एक माला में पिरो के रखा है सबको, सबका कितना ख्याल रखती है तू। क्यों तो आप मने रोज ही कह रहे हो। वैसे ये सब छोड़ो, आप ना मुंह मीठा करो, हरिया की बहन को बच्चा हुआ है। 20 सालों तक दूसरों के बालकों के लड्डू खिलाए तने, अपना बालक तो होया नहीं। कैसी बातें कर रहे हो आप, बालक क्यों नहीं है, मारी मुन्नी है ना। ये बात तने कति सही कही, मुन्नी है ना, कौन बोलेगा कि तू उसकी माँ ना है, बल्कि उसकी भाभी है। सगे बालक ते फालतू तने प्यार दिया है उसे, और औलाद भी तो इसलिए नहीं की ताकि उसके प्रेम में किसी तरह की कोई कटौती ना हो जाए। बस बस रहन दो जी, ये सब बातें बोल बोल कर मैंने पराया बना रहे हो आप। चल अब चाल चाल, देखे कुकर की सीटी की तरह बाप मन्ना छोड़ दो। देख मेरे कहने का मतलब कुछ और था। हाँ पढ़ा, बस रहन दो। अरे सच बोल रहा हूँ मैं कुछ। भाई प्रताप, यो अंदर का तापमान पूरा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, मतलब यो कि हमारी भाभी नाराज है और भाभी को मनाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत ही इजी है, हमारे पास ना एक बड़ा ही फनी सा जोक है, आप कहे तो सुनाओ सबको। रे सुनेना, तने इजाजत की जरूरत है के सुना। अच्छा सुनिए, एक बार ना एक पति ने पत्नी से पूछा कि तुम पहले मुझसे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन अब तुम हमेशा गुस्से में रहती हो, लड़ती हो, शक करती हो। और बीवी ने पता क्या कहा? बीवी कहने लगी कि पहले ना मैं रामायण देखती थी, अब मैं क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। चले भाई साहब, वो मुन्नी को कॉलेज के लिए तैयार भी करना है। हाय, भाई हो तो ऐसे पूरा दिन जान हथेली पे लेके अपनी बहन के आगे पीछे, और एक मारे भाई से निकम्मे, सिर्फ रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन याद आवे से हमारी। भाई बहन के इस रिश्ते को किसी की नजर ना लगे बाबू। नजर तो एक दिन लगनी है, जिस दिन मुन्नी को असलियत का पता चलेगा। लाडो, मुन्नी, मुन्नी सुबह से दरवाजा बंद करके बैठी है। लाडो चल दरवाजा खोल। रे मुन्नी, तारा यो जो मरियल दरवाजा है ना, हमारा एक घुसंड ना झेल पाएगा। वो तो थारी परवाइसी का ख्याल है, इसलिए नाक नाक खेल रहा है। खोलना लाडो। मुन्नी, मुन्नी, अरे लाडो तने बेरा है ना, हम तीनों भाइयों का दिन शुरू नहीं होता है बगैर तुझे देखे, अब फिर भी शरारत कर रही है तू। लाडो चल जल्दी से दरवाजा खोल दे। अरे खोल दे लाडो। भाई साहब, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये मुन्नी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लाडो, रे मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी बेटा, मुन्नी, 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 अरे तुम बाहर जाके देखो, मैं अंदर दिखता हूँ। मुन्नी बिटिया, मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी।
कुछ पता? भाईसा मुन्नी बाहर भी नहीं है। अरे फिर कित कहीं होगी? राम जी हमारी बहन की रक्षा करिए। नहीं, बाहर चल के देखो। मैं यहाँ हूँ। बावड़ी, तू ऊपर के आम तोड़ने चढ़ी है के? जान काट दी थी हमारी, चल नीचे उतर। आंख फाड़ के मेरी तरफ के देख रहा है, जा जा मुन्नी ने नीचे तार हाथ दे और तू भी जा। अरे आजा आजा आजा, मारे कंधे पे आजा, पैर रख। अरे अरे रिलैक्स, मैं आ जाऊंगी नीचे। खबरदार खबरदार, वो भीम आ गया, देख उसका हाथ पकड़ के नीचे उतर तू। बाऊजी लेकिन जैसे मैं ऊपर गई मैं वैसे नीचे आ। अरगेज नहीं मुन्नी, मैं बोल रहा हूँ ना, चुपचाप आ जा, मारे कंधे पे पैर रख, आ जा। आराम से। ए प्रताप पकड़ लेना। चोट तो नहीं आई ना कहीं? और किस गधे ने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए? तने भीम भैया के वजह से। मेरे कारण मन्ने कब कहीं चढ़ने की? डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तो कहा ना। एक्चुअली बाऊजी कल मैं भीम भैया को बता रही थी कि इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी से डरता है। हाँ तो हमने कही कि हम तीनों भाई किसी से नहीं डरते। शर्त भी लगा ली मुन्नी से इस बात की। और वो शर्त भीम भैया हार भी गए। शर्त कैसे हार गए? वो ऐसे कि जब मैं आपको नहीं मिली तो बाऊजी के साथ प्रताप भैया और आप दोनों भी डर गए। बोलो डरेगी नहीं? डरे 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 डर तो डर गए। तो इसका मतलब शर्त हार गए। हाँ शर्त भी हार गए। हाँ हार गए हम, हार गए। मगर जानती है क्यों? क्योंकि हम तीनों भाइयों की जान तुझ में बसती है। हम तीनों को लगा कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो। बाऊजी मुझे कुछ ही नहीं होगा। वैसा बावड़ी यही है। देख लड्डू मेरी बात ध्यान से सुन। आज के बाद दोबारा कभी भी मेरी नजरों के सामने से हटियो मत। बाऊजी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 24 घंटा मुझ पर नजर रखते हैं। वो तो है। और जब मैं कॉलेज जाती हूँ तब भी तेरे ऊपर नजर रखते हैं हम लोग। वो कैसे? इसका मतलब मेरे पीछे जासूस छोड़े? हाँ। अरे भीम भाई को तो ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। मुन्नी देख क्या है, ये तेरा बॉडी बिल्डर भाई है। अरे क्या है, डंबल मार मार के इसका खोपड़ा भी डंबल जैसा हो गया है। ये मंद बुद्धि की बात मन्ने सुन, तू तैयार हो जा। खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? बात बची है तेरी, और बोलना है कुछ? जा जाकर मुन्नी की देख ले, ड्रेस देख ले, उस रंग की जूतियां लेकर आ जा। जी बस। अब प्रताप तू भी जाकर जरा वो बैग तैयार कर दे मुन्नी का। ठीक है। और सुन कुछ रुपए भी डाल दिए उसमें। और सुन प्रताप 2000 के नोट मन्ना डालिए, वो चेंज करने में दिक्कत पड़ेगी। जी भाई। ओहो कैंटीन में छुट्टी हो जाएंगे बाऊजी। और बाऊजी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब क्यों मुझे रोज रोज बच्चों जैसे तैयार करते हो? देख लड्डू तेरा ये रोज रोज तैयार करना ही तुम्हारा प्यार है, जब तू छोटी बच्ची थी तब भी और जब तू बुढ़िया हो जाएगी तब भी। हाँ जब एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू तने जो करना है वो करिए, लेकिन तब तक
तेरी सारी जरूरतें, तेरी खुशियां, तेरे हर पल पे केवल मारा हक होगा, मारा। एकदम करेक्ट कहा है भाई साहब ने। बाय भैया। ओहो, ना लेट हो गया। कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। बाजार भी एकदम सुनसान पड़ा है। बला टली के नहीं टिप पौनी का टाइम हो रखा। इत्तेफाक इत्तेफाक नहीं दीदी, मजबूरी है। मेरा मतलब, जब से आपको ऑटो में कॉलेज छोड़ता हूँ ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, अच्छी कमाई हो जाती है दीदी रोज। इसका मतलब मैं लकी हूँ आपके लिए। जी दीदी। चले दीदी, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे ना। सब कौन सा? ओ, मेरा कहने का मतलब वो के आपके दोस्त लोग जिनके साथ आप कॉलेज जाते हो ना, वो इंतजार कर रहे होंगे ना दीदी। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। लो भाई गई, अपना अपना काम शुरू करते हैं। दीप जो बला टल गई वो नहीं ठीक ठाक हो जाएगी। भैया अब कॉलेज की तरफ। लो दीदी, आ गया कॉलेज। ये लो भैया 100 रुपए। थैंक यू दीदी। अच्छा भैया एक बात बताओ, आप इतना दीदी दीदी क्यों बोलते हो? अरे बाप, दीदी जैसे हो, इसलिए दीदी बोलता हूँ आपको। चलो अब आपका कॉलेज आ गया, आप पढ़ाई कर लो, शाम को मिलता हूँ फिर यहीं पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको भाड़ा मिल जाए तो स्पेशली उसे छोड़कर हमें लेने मत आना। जी चले। मुन्नी पर नजर रखने वाली बात तो उसके सामने बोल कैसे सकता है। पौनी ट्रेड हो गया था के भाई साहब, जवान फिसल गई थी हमारी। आप कहें तो हम इसी जवान से गोबर चाट लें, आइंदा यो गलती ना होगी हमसे। भाई साहब एक बात कहूं? हाँ बोल। भाई साहब ऐसे डर डर के जीने की क्या जरूरत है? डर के जीने से अच्छा है हम लोग एक बार हिम्मत जुटा के
मुन्नी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि कॉलेज नहीं, करण जोहर की मूवी का कोई सीन देख रही हो। माय गॉड, आज इस सीन में मेरा भी सीन फिट हो जाए ना तो मजा आ जाएगा। तेरा कौन सा सीन आती? मोंटी ना, मुझे आज बस रोज दे दे। कब से बस एक दूसरे को देख ही जा रहे हैं, बात आगे बढ़ ही नहीं रही। तो तू आगे बात बढ़ा ले, तू उसे रोज दे दे। लड़कियां बात आगे नहीं बढ़ाती, लड़के करते हैं, लड़के रोज देते हैं। तुझे तो प्यार व्यार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, चली है। हाँ हाँ, तूने तो बड़ी पीएचडी कर रखी है। पीएचडी नहीं सही, ग्रेजुएशन तो करके रखी है। अच्छा, पर ये बताओ कि तुम्हारा मोंटी है कहाँ? अरे मोंटी, कदेडिस क्यों लग रहा है तू? हैं? डोली की तरह छोरी के सीने में उतर जाएगा तू, देख। ये पकड़, रोजो फ्रेंडशिप और बेडाल। और सुन, जो जो रटा है ना, वैसी बोलना, छोरी यूं इंप्रेस होगी, हैं? और जंग जीतने के बाद मैंने फोन कर, फिर मिलता हूँ तने, जब मेरे से लटगाड़ के आता है। ये मोंटी की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा मैं ही सामने से बात करती रहती हूँ, वो तो मुझसे बात भी नहीं करता। पता नहीं वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। आरती, तुम रुक क्यों गई? वो देख मोंटी। हेलो आरती, हैप्पी लोज डे। ये तुम्हारे लिए। क्या तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो? तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे रोज देगा? बताती, I like you। और चुप होए, नाम तो ठीक से लेते नहीं बनता है मेरा। रोज देगा लड़की को? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे फ्रेंडशिप करूंगी? आती प्लीज मेरी बात तो सुनो। आती एक मिनट रुको तो देख। मुस्कान की बात की वकालत हो रही है क्या? बात है देवर जी, आज आप और देवरानी जी बड़ा सेम टू सेम साउंड कर रहे हो। ऐ सुने ना, तो मर्दों के बीच में अपना भोपू ना बजा। आप हमेशा मुझे क्यों चुप कराते हो? सुने ना, तन्ने प्रताप के मामले में पढ़ने की जरूरत ना है। पर भीम भाई बस, आज आखिरी बार मैं ये बात बोल रहा हूं, या सारे लोग कान खोल कर सुन लो। आज के बाद मुन्नी से जुड़ी कोई भी बात किसी ने उठाई, उसे मैं इस दुनिया तक उठा दूंगा। फिर चाहे वो मेरी बीवी हो या मारे भाई या फिर इस घर से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य, अपने इन दो हाथों से मारूंगा। इन दो हाथों से। मोंटी, मुझसे दोस्ती करोगे? मैं? मोंटी, दोस्ती में सिर्फ दोस्ती देखी जाती है, दोस्तों की कमियां नहीं। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगे? करने के लिए तुक लिया। ये हुई ना बात,
चलो अब मैं चलती हूँ, लेक्चर के लिए लेट हो गया तो बहुत डांट पड़ेगी, बाद में मिलते हैं। हाँ हाँ भाई, लोट तो दे दिया मैंने उसको। ओहो क्या बात है। अरे नहीं नहीं, आलती को नहीं, पर मुन्नी को दिया। मुन्नी को? अरे तत्ती, मुन्नी ने मुझे सामने तो लोट दिया, ऑल तो ऑल प्लेंटी भी थी। मुन्नी तो बली ट्रीट है यार। आलती बहुत लोट निकली यार, दिल ही तोड़ दिया उसने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.